नमस्कार, इस समय मैं खड़ी हुई हूँ उन्हीं के घर पे जहाँ पे अभी रिसेंटली केस हुआ था। इनके पालतू डॉग जो है रॉनी पांडे, उन्होंने एक बंदे के प्राइवेट पार्ट को काट लिया था। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जो राजेंद्र जी का है। तो हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र जी, यानी राजेंद्र पांडे जी, और इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर उस दिन क्या घटना हुई थी और इन्होंने अपने डॉग का नाम रॉनी पांडे कैसे रखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। तो बताएं, पहले तो घटना बताएं क्या हुई थी। देखिए, घटना ये कुछ थी नहीं, कुछ इसमें यही था कि ये हमारे छोटे वाले भाई हैं, तो इनको ये लड़का जानने वाला था, तो ये मेरा दरवाज़ा उड़का हुआ था। मेरा डॉगी रॉनी पांडे नाम उसका, रॉनी वो मैं उसको डॉगी भी भतीजा समझता हूँ अपना। तो वो यहाँ पर बैठा था, तो वो बाहर वालों को बर्दाश्त नहीं करता कोई घर पर आ जाए, उसको गरीब पर रहता है। तो इन्होंने दरवाजे खुले चले आ रहे थे इनका नाम लेके, तो उसने ये सोचा कि कोई गलत आदमी है, तो उसने दरवाजे पे खोले थे, उसको अटैक कर लिया, तो काट लिया। तो उस समय उसने कुछ हमें बताया नहीं कि लगी है ये, वो कुछ नहीं बताया, घर चला गया बिना बताए। और वहाँ पे जाके पता चला भाई काटा होगा, भाई ये लोग पैंट के ऊपर से काटते हैं मगर पता नहीं चलता है, अंदर घाव हो जाता है। तो उसने पहले वैसे नहीं काटता है, ये दो दिन बाद आया मैं घर, तो बुलाने दिए, अंदर सीधे चले आए, तो उसने अटैक कर दिया। नामकरण कैसे हुआ? नामकरण ऐसा है, वो वैक्सीनेशन कार्ड बनता है, तो उसमें इनका कार्ड बना था, रॉनी नाम है, तो रॉनी पांडे हम लोग सदस्य समझते थे घर का, तो रॉनी पांडे उसका नाम लिखवा दिया था। अच्छा, तो बहुत धार्मिक भी है मैंने सुना है ये। वो मेरे साथ टहलता है, टीका लगा के शांत से टहलते दोनों लोग। तो शादी वादी हो गई है? अभी सोच रहे तो मैं जान बूझ के नहीं की, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, मैंने माँ के सामने शादी बात हुई थी, मेरी माँ अचानक खत्म हो गई 2-3 महीने के अंदर, तो मैंने शादी की बात ही छोड़ दी। तो मतलब रॉनी पांडे के साथ पूरी जिंदगी बितानी आपको? वो जब तक रहेगा तभी तक हम हैं। और मेरा नाम राधेश्याम फेमस है, वैसे शाहरुख भाई मतलब जो मेरी एक्टिंग जानते हो शाहरुख भाई नाम से जानते हैं। शाहरुख भाई क्यों कहते हैं? क्या शाहरुख खान के फैन है? शाहरुख खान के फैन नहीं है, अगर मैं उस उम्र में बड़ा होता तो वो मेरे फैन होते। तो सड़कों पे अब आप निकल रहे तो कैसा रिएक्शन लोगों का आ रहा है, क्योंकि सब जान गए आपको? हमको जो नहीं जानते थे घर में आके पूछते हैं भैया इसी से बात है, क्या हुआ आपका रानी छूट गया, ये वो कहना आपने स्पीच बहुत बढ़िया दी थी। तो मुझे लगता है अब आपको ऑफर मिलने ले जाएंगे बॉलीवुड से, तो जाएंगे? देखिए हम अगर हम आप देखिए हम लोग पैसे वाले नहीं हैं, हम लोग पैसे पैसा तो जो प्रोड्यूसर आपको बुलाएगा तो देगा ही, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे ना। तो हमको जैसे मेरे हिसाब से कोई काम होगा तो हम करने के लिए जाएंगे। एक देवदास फिल्म है, उसका डायलॉग है, तो उसमें डायलॉग में शाहरुख बोलता है पराए कहा चुनी बाबू अब तो आपकी तरह बोलना भी सीख है, ये देखिए कि शुरुआत सास है, कि सास है सुबह, सास है सूरज, सास है सुकून, और सास है समय ने ऐसी करवट ली चुनी बाबू, सास है सास छोड़ गया जिंदगी को। हाँ चुनी बाबू आप तो खासे खामोश ऐसे हो गए जैसे खासे ख़त्म हो गया। एक लखनऊ में मैंने कविता लिखी है, मेरा लखनऊ तो करता है पूरी दुनिया को आदाब, बुरी निगाहें जिसकी पड़ी शहर पर वो हो गया समझो बर्बाद, खूबसूरती की मिसाल अपना रूमी दरवाज़ा, पूरी दुनिया के लोगों से कहता है प्यार से मेरे पास आ जा, भूल भुलैया की बात करें तो ताजमहल भी इसके आगे फेल है, और गुल्ली डंडा से लेकर क्रिकेट तक यहाँ का मनपसंद खेल है। स्टेशन देखा जाए तो कितना सुंदरता है यहाँ का चारबाग, सुंदरता इसकी देखते दिल जाता है सोते हुए जाग, और नदी की बात करें तो सबसे प्यारी है गोमती हमारी, सबसे अलग मानता है इस नदी की क्योंकि बिल्कुल कुंवारी। एरिया देखा जाए तो सबसे मस्त है लखनऊ का आलमबाग, यहाँ पर सबके दिल में लगी रहती है हमेशा प्रेम की आग, और मोहल्ला देखा जाए तो सबसे बढ़िया है मैं लखनऊ का प्रेम नगर, यहाँ पर रहती है सबको सबके प्यार की खबर। इतने साल से नहीं देखा शीशा? हमने हो गया सन 2000 के बाद से नहीं देखा शीशा, नहीं देखा ये समझ लीजिए 3 साल से, तो मैंने बाल नहीं कटवाए। तो इतने बड़े हो पाए हैं क्या? तो नहीं, अपने हाथ से काट लेते हैं। तो ऐसी और खबरों के लिए जुड़ रही है मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।